बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं वो है वेजिटेबल कोरमा, मज़ेदार सा, चटपटा सा। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने रख दी है। सबसे पहले हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 सब्ज़ इलायची। इसके साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने 3 मीडियम प्याज ली है और इसे बारीक चॉप कर लिया है। हमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज अब हमारी हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून और ग्रीन चिलीज। हमने 2 ग्रीन चिलीज ली है, इन्हें बारीक काट लिया है। आप आपके जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें डाल दें। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। एक मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। हमें मसाला भूनने तक फ्लेम को थोड़ा स्लो रखना है। अब हम इसमें 3 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। हमें इन्हें अच्छे से मिला के भून लेना है हल्की आंच पे, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाले ने तेल छोड़ दिया था। गाजर चूंकि थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए वो गलने में थोड़ा वक्त लेते हैं, इसीलिए हमने गाजर सबसे पहले डाल दिए हैं और इन्हें हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसमें थोड़ा हम पानी डाल देंगे। आधा ग्लास हमने इसमें पानी डाल दिया है। गाजर को हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी गाजर को हम चेक कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 3/4 कटोरी बीन्स डाल देंगे। दोबारा आधा ग्लास पानी डाल के हमें गाजर को और बीन्स को गलने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये कि वो सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे मीडियम से स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि गाजर और बीन्स गल जाए। वेजिटेबल्स को एक बार बीच में चेक कर ले। अगर आपको ऐसे लगता है कि और पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा और पानी डाल दे। गाजर और बीन्स नियरली कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कॉलीफ्लावर 1 कटोरी। कॉलीफ्लावर ज़्यादा पकने में वक्त नहीं लेगा क्योंकि हमने इसे नमक वाले पानी में 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। कॉलीफ्लावर डालने के बाद हम इसमें
वन एंड हाफ कप कोकोनट मिल्क डाल देंगे। और इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे और इसमें 150 ml थिक क्रीम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकाना है और इसे कंटिन्यूअसली हम चलाते रहेंगे। कंटिन्यूअसली चलाएंगे ताकि कोकोनट मिल्क और क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्रेवी हमारी पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छी थिक भी हुई है। अब हम इसमें 3/4 कटोरी ग्रीन पीस डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश हो या आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो ग्रीन पीस, तो आप इसे कॉलीफ्लावर के साथ ही ऐड कर दें ताकि वो पक जाए। हमने फ्रोज़न यूज़ किए हैं इसलिए इसे लास्ट में डाला है। ग्रेवी अच्छे से ठीक हो गई है, 1 मिनट के लिए हम पीस को पकाएंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। पीस को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 3/4 कटोरी शिमला मिर्च डाल देंगे। हमें शिमला मिर्च को पकाना नहीं है, शिमला मिर्च डाल के हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके तड़के की तैयारी करेंगे। आप इस स्टेज पे ग्रेवी को चख लें, नमक और तेज अगर तीखापन आपको कम लगे तो अभी हम जब तड़का लगाएंगे इसमें आप ग्रीन चिलीज आपके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकती है। हमने तड़के के लिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून हम राई डाल देंगे। उसके साथ ही उसमें 1 ग्रीन चिल्ली, 5 से 6 लाल मिर्च और थोड़े कम पत्ते। हम तड़के को ऐड कर देंगे। हमारा वेजिटेबल कोरमा तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करके बताते हैं आपको। वेजिटेबल कोरमा बनके तैयार है, हमने इसे डिश आउट कर दिया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको अगर पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।